जितना आज हम मौजूद है जलियांवाला के इलाका मोहरावाला में, जहाँ पे हमारी एक क्रिश्चियन फैमिली पे मुस्लिम बहन भाइयों के ने एक हमला किया है। तो आइए जानते हैं भाई बादल से कि आखिरकार ये हमले की वजह क्या थी और कैसे कैसे हमला हुआ। जी भाई, मेरी तरफ से आप सबको देखने वाले को सलाम जी। ये कुछ ऐसा है कि हम लोग जो 16 अगस्त का वाकया है कि जो ये फैमिली है ना मुस्लिम, इन लोगों ने हमारे ऊपर भी हमला किया है। इस तरह के मैं बाहर बैठा था तो मैं और मेरा एक कज़न, खाला का बेटा है, तो वो बैठे, हम दोनों तो बैठे हुए बाहर, तो एक उसका चाचू आया उन लोगों का, वो कहता कि बादल है। मैं कहा जी मैं बादल ही हूँ। उसने पूछा कि इधर बैठे हो, मैं कहा हाँ मैं इधर ही बैठा हूँ। तो उन्हें फिर ये क्या सी कि इतने बैठा हूँ तेन बहन जोगा छड़ना नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं इतने बैठा। वो घर गया, गड्डी उन्हें खिलाड़ी खिलाड़ के खलोती नहीं, गड्डी गड्डी डिग पी है। उन्हें जी अंदर गया, अंदर और पीटर कट लिया वा, जे भतीजे थे पिस्तौल कट लिया, कट के मेरे वाले बुलट मार लिया। बुलट मार के ते मुड़के मैं अंदर भज के बाहर आया, ते ओ जरे मुड़के बाजार दे विच खलो के गालां कढ़दे रहे। इस तो मेरे वकूए तो बाद 4 दिन पहला मेरी वालदा नाल वी उन्होंने बदतमीजी की, गालां कढ़ियां, मजहब दे बारे कुछ गल्लां कीतियां। ते फिर जिहड़ा लड़का इन्हां दा वी लड़का एक विच वा, हमजा उहदा नाम है, ठीक है, उन्हें भी उस भी चक के आबादी उत्ते जाके उन्हें चर्च ते भी हमला किया। सुटन गई सा बाहर मिट्टी सी, ओ सुटन गई उन्होंने जान सुट के वापस पक्कियों पार आई। उन्हें मेनू बुलाया वे मेरी गल सुन। मैं क्या हां जी की कहना है। आखिर तुसी अज कूड़ा इत्थे सुट्टण डे जे इह तुहाडे कोल हत्था ना सी चकवाना। मैं कहा केड़ी वजह तो, कोई वजह? उन्हें कहा वजह इहदे तेनू नहीं पता है वजह ते भी वजह क्या है। मैं कहा मैनू नहीं पता, अहे तुहानू पता लग जाएगा चूड़ गया, तेनू समझ नहीं आंदी ते तेरे कोल मैं कहा सी चूड़े ने, तू 100 चूड़ा भी इकट्ठा कर लेंगी ना ते असी दूसरा तुहाडे कोल हत्था ना चकवाउणा। मैं कहा क्यों क्यों केड़ी वजह है? आखिर नहीं तेनू वजह दा पता लग जाएगा हथा ना चकवाना है, हथा नाल गंडा दितिया ते तुहाडे कोल मुंह नाल गंडा खलवानिया ने। इन्नी उन्हें बदतमीजी की, गाला कढ़िया ते मैं उत्थे खड़ी दूसरा अगो बोलती रही। मैं क्या इस तरह ऐसे नहीं गल्ला करी दिया, जिस तरह तिहाड़ी साड़ी लड़ाई नहीं बनती। उन्हें क्या नहीं बनती ते असी बना के छड़ांगे। जी तो नाज़रीन, मतलब के जिस हिसाब से इन्होंने बताया है, इस हिसाब से हमारी क्रिश्चियन कौम 16 अगस्त के बाद आज भी इस जड़ावाला में या हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सेफ नहीं है। रही सिक्योरिटी की बात, तो जब उन पर हमले होने की बात हुई तो उन्होंने 15 पे कॉल की, वो भी आधे घंटे के बाद आए। इसमें हमारी सेफ्टी क्या है, जबकि हमारे लोग अपने घरों में सेफ नहीं, हमारी सिक्योरिटी पूरी नहीं हो रही। तो हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे घरों में, हमारे बकायदा तौर पे खास ऐसे घरों में जिन पे हमले किए जा रहे हैं, कि अपनी सिक्योरिटी करें ताकि हम भी अपने अमन में, अपने अमन में कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, ठीक है। हम सलामती से रहें, सलामती के साथ एक दूसरे के साथ रहें, हम सब आपस में बहन भाई हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें अपनी सेफ्टी की जरूरत है, हमें इस खानदान की सेफ्टी की जरूरत है। थैंक यू।